हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द पॉजिटिव नंबर एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन लॉग 2x² माइनस का 21x प्लस का 50 और बेस का 10 दे रखा है, इक्वल टू 2 दे रखा है. तो अपन को यहाँ पे x का वो पॉजिटिव वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे. तो यहाँ पे अपन जो है ना, अपन को दे रखा है लॉग 2x² माइनस का 21x प्लस का 50 और बेस का 10 दे रखा है, इक्वल टू 2. तो अपन एंटी लॉग ले लें. तो यहाँ से 2x² माइनस का 21x प्लस का 50 इक्वल टू 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो वो 100 के बराबर आ जाएगा. तो इस 100 को अपन जो है ना उस साइड भेजें, तो यहाँ से 2x² माइनस का 21x और ये आ रहा है माइनस का 50 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना. तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाएं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x² माइनस का 25x प्लस का 4x और माइनस का कितना आ रहा है 50 इक्वल टू 0 के बराबर. तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से अपना आ रहा है, एक तो x 2x माइनस का 25 आ रहा है और एक आ रहा है x प्लस का 2, ठीक है ना, इक्वल टू. तो यहाँ से एक तो x का वैल्यू 25/2 आ रहा है और एक x का वैल्यू -2 के बराबर आ रहा है. तो अपन इसका एक बार डोमेन भी निकाल लेते हैं. तो डोमेन हो जाएगा x² 2x² माइनस 21x और प्लस का 50, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाएं, तो ये बन जाएंगे 2x² माइनस का 25. तो यहाँ पे अपन इसका डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना. डी देखे तो ये 4 4 1 और माइनस का 4 × 2 × 50, तो यहाँ से ये 8, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है ना. तो इसका जो रूट इसका जो वो आएगा, क्या कहते हैं, रूट, वो आ जाएगा 21 प्लस माइनस रूट अंडर 4 4 1 माइनस का 400 अपॉन में 4. यहाँ से देखें तो x इक्वल टू 21 प्लस माइनस √41 अपॉन का 4. तो यहाँ से देखें तो ये आ रहा है, एक तो x बिलोंग्स टू आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी से 21 1 प्लस माइनस का √41/4 और एक आ रहा है यूनियन, एक आ रहा है 21 प्लस √41/4 टू इन्फिनिटी. तो ये जो है ना, ये उसमें लाई कर रहा है, इससे बड़ा लाई कर रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखें तो अपना एक ही पॉजिटिव एक्स आ रहा है जिसके लिए एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो एक्स आ रहा है, इसको करेंगे तो 12.5 के बराबर आ रहा है. ये अपना 12.5 जो है ना, अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा.